क्या दूसरा कोई माबूद है जो पैदा कर सके, लौटाए, हिदायत दे? किसी के अंदर है कुछ सलाहियत? है ही नहीं। फमा लगूं कई फतह कमून, भाई अल्लाह ही पैदा करता है, अल्लाह ही दोबारा ज़िंदा करेगा, तो कैसे तुम लोग फैसला करते हो? आयत नंबर 38 के अंदर एक चैलेंज है कुरान करीम का। कुरान करीम ने कई मरतबा चैलेंज किया है, लेकिन आयत नंबर 38 सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 में ये चैलेंज किया, अम यकूलून अफ्तरा कुल फातु बिसूरति मिसली। अगर वो लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ लिया, तो आप कहिए इस जैसी एक सूरह ले आओ। तो यहाँ जो चैलेंज है, इस जैसी एक सूरह ले आओ। और भी चैलेंज है, एक आयत ही ले आओ। और भी चैलेंज है, 10 आयतें ले आओ। और चैलेंज है, कुरान जैसी चीज़ लाओ। और भी चैलेंज है, कुरान जैसी बात दूसरी ले आओ। कई जगह पे, लेकिन यहाँ पर है कि एक सूरह ही ले आओ और मदद करने वाले सबको बुला लो। अगर तुम लोग सच्चे हो, तुम्हारी ही तरह के एक इंसान है, बोलते हो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही, तुम्हारी तरह इंसान है, तुम भी इंसान हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान है, तुम भी अरबी जानते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरबी जानते हैं, दुनिया भर के सब लोग आ जाओ। और ये चैलेंज जो है क़्यामत की सुबह तक है, आज तक किसी ने चैलेंज कबूल नहीं किया है, और क़्यामत की सुबह तक कोई भी अल्लाह के चैलेंज को कबूल करने की ताकत रख ही नहीं सकता है। इसलिए कुरान करीम अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह का कलाम है, और सबसे बड़ा मोजज़ा है, बड़ा चैलेंज है। जिसको भी देखना हो, कुरान करीम को पढ़ ले, देख ले, समझ ले, और एक अल्लाह को मान ले।